जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज का विषय है मेथड्स ऑफ चार्जिंग द अनचार्ज बॉडी। आखिरकार अनचार्ज बॉडी को कैसे चार्ज किया जाए? अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने के मुख्य तीन तरीके हैं। नंबर वन फ्रिक्शन, सेकंड वन कंडक्शन एंड लास्ट वन इंडक्शन। अब बात आती है इन तीनों में क्या अंतर है और आखिर इन तीनों तरीके से कैसे अनचार्ज बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। सबसे पहले हम फ्रिक्शन की बात करते हैं साथियों। फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण, मतलब दो बॉडी को रगड़ दिया जाए। जब हम दो बॉडी को रब करेंगे तो रब करने से एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। जिस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो पॉजिटिव चार्ज का बन जाएगा, जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन आएगा वो नेगेटिव बन जाएगा। इस प्रकार से अनचार्ज बॉडी चार्ज हो जाएगी। तो साथियों फ्रिक्शन के द्वारा अनचार्ज बॉडी बड़े आसानी से रबिंग करने से चार्ज जाती है, क्योंकि रबिंग करने के बाद वन बॉडी विल लूज द इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिव चार्ज एंड अदर बॉडी विल गेन द इलेक्ट्रॉन एंड बिकम नेगेटिव चार्ज। अब हम बात करते हैं सेकंड कंडक्शन। साथियों अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के टच में ला दीजिए। जैसे ये अनचार्ज बॉडी है और ये चार्ज है, इसको बिल्कुल टच कर दीजिए। जब अनचार्ज बॉडी चार्ज बॉडी के बिल्कुल कांटेक्ट में आएगा तो वो पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा। मतलब कंडक्शन वो मेथड होता है जिसके अंदर अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाने से वो चार्ज हो जाता है। इसको हम सिंपली लिख सकते हैं, इट इज द मेथड बाय विच अनचार्ज बॉडी बिकम चार्ज बाय कीपिंग इन कांटेक्ट बिटवीन देम, एक्चुअल कांटेक्ट बिटवीन देम। एंड अंतिम है दोस्तों इंडक्शन। इंडक्शन और कंडक्शन में एक सिंपल सा डिफरेंस है। आप कहेंगे क्या, कंडक्शन में तो अनचार्ज और चार्ज बिल्कुल कांटेक्ट में होते हैं, लेकिन इंडक्शन में अनचार्ज बॉडी चार्ज बॉडी के केवल नज़दीक रखी जाती है, इनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होता। यदि अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के नज़दीक रखा जाए लेकिन में कोई कांटेक्ट ना हो और फिर भी वो चार्ज हो जाए तो उसे हम इंडक्शन कहते हैं। इट मीन्स इट इज़ द मेथड ऑफ चार्जिंग द अनचार्ज बॉडी बाय कीपिंग नियर देम बट नॉट एक्चुअल कांटेक्ट बिटवीन देम। तो साथियों मैंने आपको चार्जिंग करने के तीन तरीके बताए। फ्रिक्शन जिसमें दो बॉडी को रगड़ा जाता है, एक बॉडी लूज करता है इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव बन जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो नेगेटिव बन जाता है। दूसरा कंडक्शन जिसमें अनचार्ज बॉडी और चार्ज बॉडी दोनों का एक्चुअल कॉन्टैक्ट होता है। तीसरा इंडक्शन जिसमें अनचार्ज बॉडी चार्ज बॉडी के नज़दीक तो जाती है लेकिन उनमें एक्चुअल कांटेक्ट नहीं होता। मुझे विश्वास है आपको ये तीनों मेथड समझ में आ गए होंगे। अगले टॉपिक के बारे में जानने के लिए फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद जय भारत।